लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस देके जाइए, विशेष राज्य का दर्जा देके जाइए, बिहार की बदहाली पर भी नजर रखिए, बिहार में जो सो बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए। ये सरकार जाएगी कैसे, जहाँ संख्या बल 165 का है, तो 165 में और उनके पास मात्र 76 की संख्या है। पूरी की पूरी पार्टियां जो हैं, जो गठबंधन में हैं, उनको खरीदने आ रहे हैं क्या? अरे आवे जाए, जो सो गृह मंत्री है, खूब आए, रोज आवे रोज जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसके महागठबंधन की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के जहां एक तरफ बिहार में इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता दल के जो नेता है वो इस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि लगातार ये बयानबाजी जो है अमित शाह के दौरे को लेकर के जारी है, लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से जो बयान है वो दिए जा रहे, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी जा रही। इसी बीच कांग्रेस ने भी अब ये कह दिया है कि अमित शाह बिहार अगर आ ही रहे हैं तो कुछ देकर ही जाए। बता दें आपको कि कांग्रेस के विधायक है अजय सिंह, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अमित शाह अगर बिहार आ रहे हैं तो बिहार को कुछ देकर ही जाना चाहिए, वो खाली हाथ बिहार से ना जाए। सबसे पहले आप सुनिए, सुनिए किस तरीके से कांग्रेस विधायक अमित शाह के इस बिहार दौरे पर तमाम तरह की जो बातें हैं वो कह रहे हैं। अमित शाह का दौरा है सीमांचल में, कहा जा रहा है कि पूरे सीमांचल को भगवा करीब कर दिया गया, कैसे देखते हैं? भाई अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, और दौरा तो उनका अगर हो रहा है तो गृह मंत्री तो कहीं जा सकते हैं। और जहाँ तक पार्टी प्रोग्राम का उनका सवाल है, तो हर पार्टी वाला अपने लिए तरीका खोजता है। अब सवाल यह है कि तरीका कैसा हो, स्वच्छ हो ना हो, तो राजनीति की धर्मनीति तो यही है कि राजनीति करने का तरीका स्वच्छ होना चाहिए, और जब तरीका स्वच्छ नहीं होगा तो ये मान लेना चाहिए कि राजनीति अपने धर्मनीति से विमुख हो गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कहती है कि महागठबंधन में बेचैनी हो गई है, डर लग रहा है सरकार जाने। बेचैनी क्यों होगी, किस बात से होगी, और सरकार जाएगी कैसे, जहाँ संख्या बल 165 का है, तो 165 में और उनके पास मात्र 76 की संख्या है, तो क्या पूरी की पूरी पार्टियां जो हैं, जो गठबंधन में हैं, उनको खरीदने आ रहे हैं क्या? आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात कही जा रही है, क्यों डर रहे हैं फिर JDU, RJD और कांग्रेस? हिंदुस्तान की जनता अब इनको समझ चुकी है कि मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, देश में बढ़ती गरीबी रेखा के नीचे संख्या का, ऐसे विकट मुद्दे नोटबंदी से जो उत्पन्न हुए हैं, GST से जो उत्पन्न हुआ है, और देशबंदी यानी कोरोना काल में जो देशबंदी से उत्पन्न हुआ है, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, जिनके कारण जो असंगठित क्षेत्र के लोग में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं, और सिर्फ देश के सकल घरेलू उत्पाद संगठित क्षेत्र से नहीं आंका जा सकता है जब तक असंगठित क्षेत्र को हम नहीं मिलाएंगे, और असंगठित क्षेत्र जो है सो लाचार और बेकार हो गया है, बेरोजगार हो गया है। तो ऐसे सारे गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चली है, तो माननीय राहुल गांधी जी के साथ लाखों लाख हजारों हजार की संख्या में लोग स्वतः पैदल चल रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं, यानी भारत जुड़ रहा है, और नफरत से जो भारत तोड़ने की का इंतजाम ये भाजपा वाले लोग कर रहे हैं, मुख्य मुद्दे से भटकाने का जो ध्यान लोगों का इधर से उधर करना चाहते हैं, वह अब सफल होने वाला नहीं है। कितना बरगलाएंगे लोगों को, कितना धर्म का अफीम पिलाएंगे आप लोग? ने लोकतंत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ा के बढ़ाने आए हैं, ये इस पर कोई कमेंट नहीं है,
लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस दे के जाइए, विशेष राज्य का दर्जा दे के जाइए, बिहार की बदहाली पर भी नज़र रखिए, बिहार में जो सो बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए। तो ऐसी इसके लिए अगर बिहार आ रहे हैं तो इसके लिए तो आ नहीं रहे हैं। ये सबसे दुखद बात है कि भारत के गृह मंत्री का बिहार आना और ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान नहीं देना। तो इनके आने जाएं जो सो गृह मंत्री है, खूब आए, रोज आएं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसके महागठबंधन की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।